कैसा था भाई? बहुत बढ़िया भाई, स्नोफॉल चालू हो रहा है देखो। जैसे आप देख रहे हो स्नोफॉल। ओ हेलो गाइस, वेलकम टू आई डोंट माइंड, सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में आपने देखा था हम लोग पहुंचे थे जुड़ा की तालाब बेस कैंप तक, और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से वो वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू राइड ऑन माइल्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग कुछ, तो वॉच द फुल वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू राइड ऑन माइल्स। हम लोग अभी जिस जगह पर है वो है 7812 फीट फ्रॉम द सी लेवल। यहाँ पर पहुँचने के बाद मिला लंच, दाल और चावल, ये खा के हम लोग करेंगे रेस्ट। अभी मिल गया सब लोग, ठंड बहुत है भाई, चलो खा लेते हैं। हम ये रहा हम लोगों का टेंट, तो इसमें हम कितने आदमी हैं? तीन। तो तीन आदमी हैं सर, यहीं पर रहेंगे हम लोग आज रात। सो थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे बर्फ में घूमने। हेलो। हाँ, तो यहाँ पर चल रहा है फोटोग्राफी। हम लोग पूरा स्नो पे, वो लोग वहाँ पर फोटो खींच रहे हैं और हम लोग स्नो के ऊपर से जा रहे हैं। वो क्या फीलिंग है भाई। आपके साथ इतना खेलने के बाद हम लोगों का हालत, तो अभी कैंप में हम लोगों के साथ है हम लोगों का दोस्त शुभम, और मैं आप सबका अपना हिमांशु, हिमांशु मुनीश, मुनीश एंड हेमंत, हेमंत जी। सो हम सब मिलके कल जाने वाला है जुड़ा का तालाब। सो स्टे ट्यून्ड, ये सब आपको मिलते रहेंगे मेरा ब्लॉग में। अभी अभी हम लोगों को मिल गया कॉफी, कॉफी पी के रेस्ट लेना है भाई, अब गर्म होना है। दिन रात में सब मिलके हुआ थोड़ा नाच का। सो गाइस, आपको शायद मेरा फेस उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हम ये हेड लैम्प पहने हैं। तो ये रहा हम लोगों का टेंट। फरान और उसका दोस्त लोग और एक टेंट में है, वो लोग एक टेंट में चार है, एक टेंट में पांच तो नहीं हो सकता ना। सो इसलिए मेरा एक अलग टेंट हमने ले लिया। तो उसके बाद ये रहा मेरा स्लीपिंग बैग और एक ब्लैंकेट, मेरा बैग। रात को डिनर करेंगे और सीधा आके सो जाएंगे, दैट्स ऑल। और बाहर अभी चल रहा है किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन। रात को हम स्नो पे चलने के लिए आ गए अकेले, देखिए सामने क्या हाल है। रात में स्नो पूरा जम गया था और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। सो गाइज, अभी हम टेंट के अंदर है, टेम्परेचर होगा अराउंड 0। तो डिनर भी हो गया और अभी टाइम हो गया जस्ट 9 बजे है, सब कुछ कंप्लीट, डिनर वगैरह। ये जुड़ा का तालाब से 1 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग कल जुड़ा का तालाब जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा फोटो वगैरह लेके उसके बाद हम लोग बेस कैंप तक जाएंगे। सो कल का प्लान वही सेट है, कल सुबह उतना जल्दी नहीं उठना है, बस 8-9 बजे उठ जाना है बस।
जितना सुबह उठ पाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि पहाड़ में अगर आप 5 बजे भी उठोगे ना तो आपको लगेगा कि काश हम 1 घंटा आगे उठते, क्योंकि हर 1 घंटे में बहुत कुछ मिस हो जाता है। एनीवेज फॉर नाउ गुड नाइट, कल आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जुडागा तालाब बेस कैंप विच इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम जुडागा तालाब। अभी टाइम हो रहा है 6:30, लेकिन चंदा मामा ऊपर अभी भी है और आसपास कोई लाइट्स नहीं है, सो देख के लग नहीं रहा है कि 6:30 बज गया। पहाड़ में सूरज थोड़ा देरी करके राइज होता है, तो लेट्स टेक अ वॉक नाउ, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सुबह सुबह अपना काम निपटाने के लिए आपको कोई पेड़ ढूंढना पड़ेगा। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी 7:30 बजे है, मेरा पीछे बस बर्फ ही बर्फ है। और अब हम लोगों का टेंट उस तरफ है, हम थोड़ा नीचे आ गए, इतना अच्छा व्यू था यहाँ का तो ये थोड़ा कैप्चर करना ही था। सो सी यू सून। तो अभी हम लोग निकले हैं वॉक करने। वॉक थोड़ा ज्यादा है तो हैवी फूड मांगता है। तो आफ्टर हाफ एन आवर स्ट्रेचिंग हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, सो स्टे ट्यून्ड। यो सो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच टिफिन में हम लोग यहाँ से ले लिया। यहाँ से जुडागा तालाब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे जुडागा तालाब की तरफ, वहाँ पर 1 घंटा फोटोस वगैरह खींचेंगे, लंच करेंगे, वहाँ से फिर से 2 घंटा हम लोगों का बेस कैंप। सो आज का ट्रैक का यही प्लान है, सो लेट्स गो। हम अपना बैग आज नहीं कैरी करेंगे क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है और हमको समिट तक जाना है भाई, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है डंकी से, तो उसको दे देने के बाद कुछ पैसा लगेगा, क्या लगेगा हम आपको बता देंगे, वो पहुंचा देगा बेस कैंप तक हम लोगों का लगेज। अभी हम लोगों के साथ है हम लोगों का भैया, नाम है मेरा। तो हम लोग सब मिलके जा रहे हैं आज जुडागा तालाब, तो काफ़ी बड़ी एक्सपीरियंस होने वाला है ना। यस यस, फिर वहाँ से जाएंगे केदारकंठा बेस कैंप के लिए। बहुत लंबा रास्ता तो आज टफ होने वाला है भाई, कल सह लेंगे थोड़ा। हाँ सह लेंगे, चलो मिलते हैं आपसे रास्ते। चलो शुरू करो जाए, चलिए शुरू करते हैं, चलिए। सो अभी हम लोग अपना कैंप से निकल पड़े हैं जुडा की तालाब की तरफ, सो ये ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। चलो मिलते हैं आपको रास्ते में। कोई भी कुछ भी पूछे ना उसका फोटो सिर्फ रखना पड़ेगा एक। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों का हालत ऑलरेडी खराब है, अभी तो शुरू हुआ है ट्रेकिंग। कुछ व्यूज यहाँ का आपको दिखा देते हैं।
ट्रेकिंग करते करते जो नज़ारा हम लोगों को देखने को मिला ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। सो अभी हम लोग पूरा स्नो के बीच में से ट्रैक कर रहे हैं। हम लोग तालाब के एरिया में ऑलमोस्ट पहुंच गए लग रहा है। स्पाइक देखना होगा, स्पाइक किस तरह है? फ्रंट कहाँ पे? सामने जो स्पाइक दिख रहा है ना, हाँ पिन का, ये देखो दिख रहा है ना, ये सामने पिन होगा। चलिए टूटा हुआ पीछे ना इसको साइड में कर दो, चल जाएगा जो आज है ऊपर सीधा एक बार देख लेंगे। ये कटा हुआ ये सीधा ये अरे आगे जो है ना वो फ्रंट आगे जो लाइन है वाला इसको हम सही कर लिया। जैसे कि देख सकते हो ये कटा हुआ तो इसको जोड़ लेंगे। नेक्स्ट ऊपर चढ़ाए इसमें और एक चीज होता है सामने फ्रंट फ्रंट यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रंट का मार्क्स दिया हुआ था ये फ्रंट तो डन सही आवाज देखे। सो ऐसे पहन सकते हो आप क्रैम्पोन डन। सो यहाँ पर आके हम लोग अपना क्रैम्पोन्स पहन लिए, अभी जा रहे हैं अपना कैंप की तरफ। सो लेट्स गो लेट्स गो। अभी ये रास्ता पकड़ के हम लोगों को पूरा ऊपर तक जाना है। गाइस हम लोग पहुंच गए जुड़ेगा तालाब में। हम लोग जो हाइट पर है वो है ये रहा 2,838 meters। तो ये लोग भी आ गया। और कैसा था भाई? बहुत बढ़िया। तो स्नोफॉल चालू हो रहा है देखो। वो भाई भाई सबमिट करना है, स्नोफॉल मत स्टार्ट हो जाए यार आज। अच्छा वो रहा देखो नीचे, जैसे आप देख रहे हो स्नोफॉल। हम लोग मैगी ऑर्डर करके यहाँ से खा ले रहे हैं क्योंकि खाना ज़रूरी है। और ये जो जुड़ा का तालाब तक जर्नी था वो उतना टफ नहीं था, अगर आप स्पाइक्स पहने हो तो उतना टफ नहीं लगेगा। और जर्नी तो अपवर्ड्स है, कोई डाउनवर्ड्स जर्नी ही नहीं है। सो चलिए जाते हैं। अभी टाइम हो गया 2 घंटा हो गया, हम लोग 10 बजे से शुरू किए थे, अभी 11:45 में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। सो दैट्स ऑल नाउ। इसके बाद हम लोग बेस कैंप जाएंगे जो 11,253 feet पर है, इसके बाद जाएंगे समिट।
So that is all for today, and thank you so much for watching this part of my Kedarkantha vlog. Or next part और भी ज़्यादा exciting होने वाला है, क्योंकि next part में हम लोग जाएंगे Kedarkantha base camp और वहाँ से जाना शुरू होगा summit तक. So don't forget to subscribe and press the bell icon, and thank you so much for watching. Ride Omai, stay tuned.